सो भावें कि पंजाब सरकार के वलों किसानों अपन फसलों बर्बाद होने तो रोकने बचाने लिए कुछ छोटा दी गई, लेकिन फिर बावजूद रात बराते कुछ शिकारियों वालों जानवरों उत्ते अत्याचार किए जाते हैं। सो इस एक शिकार की तशद का शिकार हो एक सांभर जो कि भटकती हुई पिंड पहुंच चुकी है, जिथे कि पिंड वासियों वालों उसनों बिल्कुल बचाया जा रहा, रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि पता लगे कि इसकी एक लत भी जख्मी हो चुकी है, जिस तो साफ पता लगता कि शिकारियों वालों उस पर अत्याचार किया गया। पिंड के लोग वड्डी गिनती इकट्ठे हुए ने, इन्हां वालों हाल ही जो कि प्रशासन भी सूचित किया गया है, जंगलात विभाग के जंगली जीव सुरक्षा विभाग की जो टीम थोड़ी देर में जिथे पहुंचनगियां उन्होंने वालों इस लैके जंगल छड़ा जाएगा। बिल्कुल तस्वीर भी साफ देख सकते हो कि किस तरीके पिंड वासियों वाले इस बड़े प्यार पुचकार की वो डरी हुई है, जिस तो साफ पता लगे रात रात शिकारियों के वालों इस जो मारने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन उस तो बचते हुए यह इतने पहुंची है। इन्होंने वालों दस गए कि इस तो देख के पता लगता है कि जो इसके पेट में एक होर बच्चा पल रहा है। सो बिल्कुल तस्वीर यह तस्वीर पिंड बालेवाल के टिब्बा नंगल सरहदियां ने जो कि जंगल के नाल लगता बिल्कुल पिंड है। अक्सर इस पिंड रात के हनेरे में शिकारियों वालों अपनी कार्रवाइयां अंजाम दिता जाता है, तो तस्वीर देख सकते हो बालेवाल दियां ने जिथे कि पिंड के लोगों वालों बड़े प्यार भजन की कोशिश की जा रही है उस वालों, क्योंकि लोगों ने जवाब देखे शायद यह जानवर डर गया है। सो विभाग की टीम ने इंतजार किया जा रहा है, सो बिल्कुल उसको बन्ने के लेकिन भजन की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल यह तड़फ रही है क्योंकि पैर उत्ते सट लगी हुई है। पता लगे सांभर जो इतने पिंड आई किस तरह दाखिल हुई है? ये साढ़े पिंड एक ब्याह हैगा, शादी हैगी जिन्होंने कहने, तो उसके संबंध में अभी उत्तर खड़े थे, जानू ये उपरों आए दो थे, एक भज गया, दूजा ये जिहड़ा खेतों उपर जाल लाया हुआ है ते उहदे विच फस के इहदी लत जिहड़ी है क्रैक हो गई। उस तो बाद फिर जो कुत्ते पे वो असी सारे पिंड वासियों ने जाने के कुत्ते दबका के और बड़ा जाने के ऐन करके ताए जो मतलब पिंड वासी वाले इसनूं बचाया गया, जंगलात महकमे नूं सूचित किया वो बंदे आ रहे हैं। जिहड़े लोग इस तरह शिकार करके इन जंगली जीवन नूं मारदे है की कहना चाहोगे कि इदां दे काम जिहड़े लोग करदे है? उन्होंने यही कहना चाहते हैं भी ए जानवर को मारना बहुत वो है। जंगली जानवर तशद्दुद करदे इन्हां उन्होंने उत्ते कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, जिहड़े भी किसी ना किसी जगह कोई तार लगाई हुंदी है या कोई कटर लगाए हुंदे है कुछ ना कुछ लगाया हुंदा ताकि जंगली जानवर जिहड़े उस फस जांदे ने, वो जंगली जानवर अपना रास्ता लभदे हुए जो लंघते हैं तो उन्होंने किसी की लत कट जाती है या कोई उन्होंने उत्ते जख्म बन जाता है जिहड़ा कि उन्होंने मौत का कारण बन जाता है। तुम्हें लगता नहीं प्रशासन भी किसी ना किसी कमजोर है भी जो शिकारियों के ठल पाने लई? बिल्कुल जी बिल्कुल, प्रशासन को कई जगह तो पता भी होता है लेकिन वह प्रशासन कई बार एक्शन नहीं लैंदा, तो प्रशासन को साडे वल्लों बेनती है कि यह जिहड़े लोग ने उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए। सो बिल्कुल पिंड वासियों वालों गुस्सा जारी किया जा रहा है कि प्रशासन भी कितना कितने कमजोर है। सो प्रशासन की टीम जो कि अपनी गड्डी लेके इत्थे पहुंच चुकी है, सो बिल्कुल तस्वीर तुम जाते हो वाइल्ड एनिमल रिसोर्स व्हीकल जो कि जंगली जीव सुरक्षा विभाग टीम दे रेस्क्यू करने वो इत्थे पहुंचे ने, सो उन्होंने वालों हुण रेस्क्यू किया जाएगा। यह जो कि पता लगे कि दो सांभर सी एक इत्थों डर के भज गई है तो दूसरे नूं इन्हां वालों बचा लिया गया क्योंकि जंगली इन्हों कुत्तियां दा शिकार बनने तो बचाया गया। सो टीम पहुंच चुकी है, हुण इन्हां वालों रेस्क्यू किया जाएगा, इसनूं रेस्क्यू करके ले जाया जाएगा, असीं टीम नाल भी गल करांगे, पहलां असीं तुहानूं रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाउंदे आं। जी बिल्कुल, टीमां वालों रेस्क्यू किया जा रहा है, पिंड दे लोक भी नाल मदद कर रहे ने, सो विभाग दे अधिकारी पहुंचे ने, जंगली जीव सुरक्षा विभाग पंजाब की जो टीम है पहुंची ने उन्होंने वालों रेस्क्यू किया जाएगा। सो पिंड के लोगों की मदद देख सकते हो रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो देख सकते हो इस विभाग वालों हम काबू करके ले जाया जाएगा। सो तुसीं दा पिंड बालेवाल दी है जिथे कि अचानक ही विवाह समागम के कोल दो सांभर पहुंच जाते हैं, इन्हां दे कुत्ते इन्हां दे मगर भजदे ने ते पिंड दे लोकां वल्लों उन्हूं बचाया जांदा है। चलो बिल्कुल
जो बिल्कुल डर रहा है ले जाया जा रहा है, लेकिन बड़ी मुशक्कत की जा रही है, बड़ी मुश्किल क्योंकि जानवर डरिया हुआ है, इसकी लाते उत्ते भी सट लगी हुई है। विभाग वालों हुण जो रेस्क्यू करके इसनूं ले जाया जाएगा। लत दी टुट गई है, देख सकते हो कि शायद किसी ना किसी तार फस गई जा लत सी टुट गई है, समर्थ हो गई है। सो जंगली जीव सुरक्षा विभाग की जो टीम पहुंची है, बड़े ही तरीके रेस्क्यू करके इनू ले जाया जाएगा। पिंड के लोग भी मदद कर रहे हैं। सो लोगों वालों एक गुहार भी लगाई जाती है कि जो शिकारी लोग अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार बंद किया जाना चाहिए है, क्योंकि ये प्राणी साडे देश का वडमुला धन होंगे ने। सो विभाग के वलों बड़े ही तरीके बन के हुण जाया जाएगा। असीं उन्हां भी गलबात करेंगे, बाकी तुसीं देखो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके नाल गड्डी विच पाया जाएगा। तड़फ रही है इस टाइम, देख सकते हो ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर। लत इसकी बिल्कुल टुट गई है, जाल दे विच उसनूं बन के गड्डी दे विच ले जाएगा इसका। ये तस्वीर पिंड बालेवाल दी, जो कि जंगल की हद के नाल लगता पिंड है। बालेवाल के नाल टिब्बा नगर दोनों की पिंड की हद पैंदी है। अक्सर इन जंगलों में रात के समय में शिकारी अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं। सो रेस्क्यू ऑपरेशन करके इसनों ले जाया जा रहा है। सो एक मंदभागी करना भी कि जो जंगली जीवों इस तरीके अत्याचार लहू लुहान लत हो चुकी है, लत बिल्कुल कट्टी जा चुकी है। सो बहुत ही मंदभाग है। सो रेस्क्यू करके सुन ले जा गया। गलबात वही करा टीम जो पहुंची है, वह हम अभी गलबात करते हैं उन्होंने हम कितने ले जाए, किस तरह इलाज किया जाए। लत टुटी हुई है, डॉक्टर साहब नूं फोन करो। लत टुटी हुई है जानवर की। हेलो हेलो, किस तरह तुहानू पता लगे इस बारे? क्या सर, साडे रेंज अफसर साहब नूं तलाब पहुंची सी फोन राही जी, उन्होंने तुरंत सानू इत्थे भेजिया जी। जख्मी जानवर है, रोपड़ जा रहे हॉस्पिटल जी। अच्छा, इधर रोपड़ इलाज किया जाएगा। हाँ जी, उसके बाद इसको जंगल द्वारा। हाँ जी, ठीक होने पे असीं जंगल से जदे अप्लाई कर। सर किस तरह का रात रात इस तरह शिकारियों तो डरता हुआ जानवर भज के पिंड में एंटर होता है, हुण भी शिकार लगातार चल रहा है, क्या प्रशासन वालों इन्हां दे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? सर देखो जी, असीं रोज गश्त करते हैं जी, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा, गड्डी साडे को एक है जी। अच्छा जी, पूरे जिले च? पूरे जिले च गड्डी है जी। हाँ जी, इदा असि जिम्मे एक दिन आनंदपुर साहब, एक दिन नूरपुर वेदी, एक दिन चमकौर साहब, एक दिन कराली एरिया। अच्छा जी, साडा इदा हुंदा है। मतलब पूरे जिले के पिछे की गड्डी है? हाँ जी सर। सानू लगता भी हुण तुसीं सरकार कोलों मंग भी करोगे थोड़ी? हाँ जी, असीं नफरी जां गड्डियां वधाईयां जावे। हाँ जी सर, असीं ते कई बार मंग कर चुके हां वी सानू गड्डी होर दित्ती जाए जी। हाँ जी जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान असीं गलबात की विभाग के अधिकारियों वालों दस्सिया गया कि उन्होंने कोल सिर्फ पूरे जिले में, देखो कितनी वड्डी गल है कि पूरे जिले में सिर्फ एक गड्डी है रेस्क्यू करने लई सरकार वालों दित्ती गई है, वह भी पुरानी गड्डी है, गड्डी की भी कुछ हालत बहुत अच्छी नहीं असीं कह सकते हैं। सो असीं गल करांगे कितना कितने असीं जिला प्रशासन भी यह गल कहांगे कि अजिहे देखो लगातार जंगली जीवों से अत्याचार होंगे ने, उसनों रोकने लिए सख्ती बढ़ाने लिए नफरी बधाई जाए, तो नाल दी नाल गड्डियां का इंतजाम इन विभाग लिए किया जाए। वैसे तो हर ब्लॉक लिए गड्डी होनी चाहिए, होर भी साढ़े को खड़े ने। तुसीं की कहना चाहोगे जगह विभाग वालों सिर्फ पता लगे भी एक गड्डी है पूरे जिले के लिए, और की कहना चाहोगे प्रशासन? गड्डी होर दी जाए,
और जो डंगर है इन्हां दे घायल हो जाते हैं, सट्टां लग जांदियां, उन्हां दा इलाज करन वास्ते एक डिस्पेंसरी बनाई जावे वधिया किस्म दी सरकार वल्लों, जिथे हर टाइम जो है डॉक्टर दिन और रात रहना चाहिदा है। यह बेनती है पंजाब सरकार नूं। जी बिल्कुल, लोगों के वालों भी मांग की जा रही है कि लगातार प्रशासन सरकार को भी बधाई जाए, नफरी बधाई जाए, डिस्पेंसरी भी लगातार हर ब्लॉक में डिस्पेंसरी होनी चाहिए। हम गड्डी राही रेस्क्यू करके इसमें लिजाया गया, सो पिंड वासियों वालों बड़े ही अच्छे तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिता गया। एक जंगली जीव में जिसकी कि लत टुट चुकी उसको बचाने के लिए लोगों वालों बहुत ज्यादा उपरला किया गया है। मेरा पंजाब न्यूज़ लई ब्यूरो रिपोर्ट।